नमस्कार, मैं शिखा और आज हम मौजूद हैं फतेहपुर के करौली गांव में, जहां हम बात करेंगे चुनाव को लेकर के। वैसे तो पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच हम 2022 के चुनाव की भी बात कर लेते हैं जनता के बीच में कि जनता 2022 में किसकी सरकार चुनना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर से, हम सबसे बात करते हैं फतेहपुर में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फतेहपुर में व्यवस्थाओं की। तो आप यहाँ पे चीजों को लेकर, सड़क, पानी, बिजली, सारी सबसे मूल सुविधाएं जो होती हैं हमारे जीवन पे, उसकी क्या व्यवस्था ये है कि यहाँ कोई विशेष रोड भी नहीं है, पानी के भी लोग तरस रहे हैं, पानी भी नहीं बराबर, हैंडपम्प जैसे हो रहा है कि बहुत से लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, वहाँ कोई साधन बराबर दिया नहीं जाता। आपके यहाँ से सांसद जो है साध्वी रंजन जी, आपके बीच में आई मुलाकात हुई है? मुलाकात बहुत बार हुई है, बस यहाँ कोई पाइप वगैरह लोगों की मांग है, लेकिन बस मुलाकात ही करी है, बाकी हाल नहीं लिया। नहीं नहीं, वैसे तो महिला है साध्वी रंजन, आप उससे कभी मिली आप लोगों से? आप तो महिलाएं हैं, महिलाओं का दर्द महिला ही समझती है, तो कभी मिलना हुआ आप लोगों का? अच्छा नहीं मिला यार। अगर महिलाओं के लिए से कहते हैं कि शौचालय जिस घर में हो, कहूँ नहीं है शौचालय भी नहीं, शौचालय के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, बच्चियों के पढ़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिली है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं मिली। हम बात करें, आप स्टूडेंट लगते हो, आप भी भाई सर स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, आप भी पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, किस क्लास में आप लोग? हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाइए आप, क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ दी? ऐसे कैसे, मतलब पैसे नहीं थे, घर की समस्या थी, क्या समस्या थी? सारी समस्याएं थी। आगे पढ़ने का है, आगे पढ़ने का है, आप भी पढ़ाई करते हैं? अच्छा, पढ़ाई करते हैं भाई साहब, भी पढ़ाई करते हैं। एक कोरोना चल रहा है, कोरोना का समय बहुत ज्यादा, पूरे शहर है, पूरे गांव में हलचल मची हुई है, तो अगर हम कोरोना की बात करें तो डर नहीं लगता है कोरोना से? माता जी आपको नहीं डर लगता है? डर लगता है, तो मास्क तो लगा है, इन्हें घूंघट कर लिया है बस, डर नहीं लगता भाई साहब? आपको डर नहीं लगता है कोरोना से? डर नहीं लगता है? डर क्या, ऊपर वाले के खेल है, किसी को मरना चाहिए सबको है। नहीं, फिर भी एहतियात तो जरूरी है ना, एहतियात तो जरूरी है ना, मास्क तो जरूरी है, मास्क है हमारे पास, लेकिन हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो भाई साहब, अगर हम बात करें आपसे, मास्क तो आपने लगा रखा है, यानी कि एहतियात बरत रहे हैं, अभी नाक के ऊपर लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जरूरी है। अच्छा, आप भी यही फतेहपुर से हैं, किसी गांव से हैं? अगर हम पूरे फतेहपुर की बात करें तो सुविधाओं को लेकर के भी हमारी बात हुई, तो आप इस सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे कि 2022 में किसकी सरकार? 2022 में सरकार क्या बताएं, दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है, फिर भी आप तो सोचते होंगे कि हम बटन किसकी दबाएंगे जाकर, कांग्रेस भाजपा की दाएं, किसकी बटन आप दबाएंगे, किसकी बटन दबाना, किसका काम आपको जाना है? फिलहाल तो मैं जिस पार्टी में चल रहा हूँ उसी पार्टी का बटन पार्टी में आप चल रहे हैं, निषाद राज पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे और उसकी ही बटन दबाना पसंद करेंगे, लेकिन क्या खास है इस पार्टी में कि उसकी ही बटन दबाना पसंद करेंगे? इसलिए कि छोटी सी पार्टी और नई पार्टी है, मैं इसको दूर तक पहुँचना चाहता हूँ, उभर के सामने आए, शायद गरीबों की सुनी जाए।